भारत पर यीशु कृपा करना।
इस राष्ट्रीय पर्व में अपनी सहमति को दिखा करके इस बात को दर्शाते हैं कि हम अपने देश के साथ में हैं। हम उस देश के अभिन्न अंग हैं जिस देश के अंदर हम जन्म ले रहे हैं और हमारी इसी मिट्टी में हम मिल जाते हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। और स्मरण करते हैं हर एक उन दिवंगत आत्माओं को जिन लोगों ने अपने जीवन को, अपने प्राणों को इस देश के लिए दिया ताकि हम सब उस गुलामी से बाहर होकर के एक स्वतंत्र जीवन को जी सकें। और बाइबल के अनुसार यदि हम सीखेंगे तो गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है। तो आज बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें कि हमको स्वतंत्रता की ज़रूरत है और आवश्यकता है। यदि हम तमाम उन मानसिकताओं से बाहर आ जाएंगे तो वास्तविकता में हमारा देश स्वतंत्र होगा, तमाम बुराइयों से स्वतंत्र होगा, तमाम क्रूरतियों से स्वतंत्र होगा, तमाम भ्रांतियों से स्वतंत्र होगा, तमाम लोगों से, तमाम शिक्षाओं से स्वतंत्र होगा जिन लोगों ने आज तक हमको गुलाम बना कर रखा है। और हमारे उन तमाम देश के उन नेताओं के लिए जिन्होंने हमको गुलामी से आज़ाद करा था और उसमें अपने प्राणों को भी दिया, कोशिशें की, प्रयास किया, योजनाएं बनाई, तो उनके सिर्फ यही मकसद थे कि हम इन सारी कुरीतियों से बाहर आ जाएं। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में और हमारी ज़िंदगियों के अंदर पाई जाती हैं जो हमारे व्यक्तिगत ज़िंदगी के अंदर है। यदि हम उसको अपने अंदर से बाहर निकालेंगे तो हमारे जीवन के अंदर कुछ जाएंगे, हमारा देश और हम सब स्वतंत्र नागरिक बन सकेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया कि हम सब मिल करके इस राष्ट्रीय ध्वज को एक साथ मिल करके फहराएं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें और अपने आप को इस देश का एक हिस्सा जताते और बताते हुए अपनी सहमति को एक साथ व्यक्त करें। तो हम सब इस राष्ट्रीय ध्वज को जब फैलाने जा रहे हैं तो हम सावधान की अवस्था में आ जाएं और उसके वजह से ही राष्ट्रीय ध्वज फहर जाएगा। हम सब लोग एक साथ मिल करके राष्ट्रीय गान को गाएंगे।